ग्रेड इक्वलेंट स्कोर्स ग्रेड इक्वलेंट स्कोर्स जो हैं ये भी एक अचीवमेंट को मेजर करने के लिए और कॉम्पिटेंसी को एक्सप्लोर करने के लिए और कॉम्पिटेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं अब ग्रेड इक्वलेंट स्कोर्स जो हैं ये क्या हैं ग्रेड इक्वलेंट स्कोर्स जो हैं आर बेस्ड ऑन रिलेटिंग अ गिवन स्टूडेंट स्कोर ऑन अ टेस्ट टू द एवरेज स्कोर फाउंड फॉर अदर स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रेड एट द सेम टाइम ऑफ ईयर्स एंड ऑफ रफली द सेम एज ग्रेड इक्वलेंट स्कोर्स जो हैं ये बेसिकली एक बच्चा अगर टेस्ट में स्कोर करता है तो अगर उसने जो है वो उसमें से टेन में से सेवन मार्क्स लिए हैं तो फिर दोबारा से बच्चे को उसी सब्जेक्ट का या उसी टॉपिक पे टेस्ट अगर अगले माह लिया जाए तो उसमें अगर उसके नंबर थ्री आ गए हैं या उसके फिर सेवन आ गए हैं या सेवन फिर उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद दोबारा से बच्चे का अगली टर्म में टेस्ट लिया जाए उसी टॉपिक का तो अब जैसे सिक्स मंथ्स के बाद है तो उसमें ग्रेड इक्वलेंट स्कोर जो है वो उसको ये मेंशन करते हैं जैसे सेवन मार्क्स उसने लिए हैं पहले टेस्ट में तो पॉइंट सिक्स के साथ सेवन पॉइंट सिक्स जैसे उन्होंने कहा तो उसका मतलब ये था कि अगर दोबारा सेवन आया है तो सिक्स मंथ्स के बाद एक टेस्ट हुआ है वो पॉइंट के बाद जो डिजिट uh, है वो बताता है कि कितने मंथ्स के बाद रिपीट हुआ है टेस्ट और सेवन मार्क्स जो हैं इसके अगर दोनों टेस्ट में आए हैं तो फिर सेवन पॉइंट सिक्स है अगर उसका कोई डिफरेंस आता है जैसे सेवन एक में है और सिक्स जो है दूसरे टेस्ट में है तो फिर इनकी एवरेज निकाल लेते हैं और इस तरह से एवरेज को पॉइंट के साथ और जो पॉइंट के बाद है उसको मंथ के साथ जो है वो शो करके ग्रेड एकुरेंट स्कोर जो है वो बताता है कि एक पूरे साल की परफॉर्मेंस अगर किसी बच्चे की देखनी है तो उसमें उसके मुख्तफ टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उसको हम आ, टर्म के हिसाब से थ्री मंथ्स के बाद सिक्स मंथ्स के बाद या ईयर के बाद जो है उसको हम मेंशन कर सकते हैं और ग्रेड इक्वलेंट स्कोर्स के बारे में यह है कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रेड इक्वलेंट स्कोर जो है वो आपको आप उस बच्चे की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आ, सही बता सही बताने का मतलब यह है कि टीचर को उसके बारे में शोर नहीं हो जाना चाहिए जैसे एक बच्चे का टेस्ट जो है दो टेस्ट ठीक नहीं हुए तो हो सकता है वो सिक्स मंथ जो उसके हैं घर के अंदर कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो कोई उसके वन की डेथ हो गई हो या क्लास में उस सब्जेक्ट में जो है वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा जिसकी वजह से आप अगर उसके स्कोर्स का कंपैरिजन आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी करना चाहिए जैसे बच्चे इंग्लिश में बाज़ा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है उसका बाकी सब्जेक्ट्स में ए प्लस आ रहा है लेकिन एक सब्जेक्ट इंग्लिश है जिसमें वो बी ग्रेड आ रहा है या सी ग्रेड आ रहा है तो अब ये लम्हा फ़िक्रिया ये है कि देखा जाए कि पिछली जो फर्स्ट टर्म थी उसमें उसका स्कोर क्या था सेकेंड टर्म में क्या था और थर्ड टर्म में क्या था तो ग्रेड इक्नेंट स्कोरस बेसिकली तीन की एवरेज निकाल के भी आपको बता सकते हैं कि तीनों की एवरेज एक कोर्स में जो है वो सेम आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वी नीड टू जस्ट फिगर आउट वट इज़ हैपनिंग एंड वट इज़ द प्रॉब्लम दैट चाइल्ड इज़ फेसिंग दैट ही इज़ गेटिंग गुड स्कोरस इन अदर सब्जेक्ट्स बट ही इज़ गेटिंग लो स्कोर इन दिस सब्जेक्ट मोस्टली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैंने ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो जिस टीचर को पसंद नहीं करते और जिस उस, उस उसका सब्जेक्ट उनको मुश्किल भी लगता है क्योंकि वो अटेंशन पे नहीं करते टीचर की मैथडोलॉजी की वजह से उनको क्लैरिटी नहीं आती सब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो बुक खोलना पसंद नहीं करते वो उस बुक को पढ़ना भी पसंद नहीं करते इंटरेस्ट भी शो नहीं करते और मेहनत भी नहीं करते तो मेन रीज़न उसके पीछे टीचर है टीचर की मैथडोलॉजी है तो जब टीचर इस तरह का कंसिस्टेंट या इनकसिस्टेंट स्कोर किसी बच्चे का देखे तो उसको चाहिए कि फ़ौरन उस बच्चे को इंडिविजुअली बुला के देखे कि उसके साथ मसला क्या है पूछना भी चाहिए टीचर्स जो है वो इस तरह प्राइवेट या इंडिविजुअलाइज कोचिंग है वो बहुत काम करते हैं एक तो बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और टीचर्स के पास भी इतना वर्कलोड होता है कि वो इस पर अटेंशन पे नहीं कर सकते लेकिन ये करनी चाहिए जब बच्चे की बाकी ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में मसला आ रहा है तो ये नहीं कि बच्चे का एप्टीट्यूड उस टेस्ट में उस ग्रेड उस सब्जेक्ट में नहीं है बल्कि मसला जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर होता है और Uh, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का अगर आपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है कि आपने इंग्लिश बोलनी भी है लिखनी भी है पढ़नी भी है एंड यू हैव टू जस्ट यू नो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड हर हाल में तो अगर टीचर इंग्लिश का अच्छा ना मिले तो बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता सो so ये पेरेंट्स को एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे के साथ रखनी चाहिए और टीचर को भी बच्चे की इस तरह की जो डिफरेंस ऑफ स्कोर है उसको ज़रूर देखना चाहिए और उसको आ, इस डिफरेंस ऑफ स्कोर जो है इसको मॉनिटर करना चाहिए और उसके ऊपर उसको कोई आ, जो है बच्चे की कोचिंग करने के लिए उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चे को अलग से बुला के उससे क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए और आ, उसको सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी डिफ़िकल्टीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो वन बाई वन लिख के पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहिए उनके साथ मिल के पेरेंट्स और टीचर्स को मीटिंग करनी चाहिए तो यकीन कीजिए इस तरह एक बच्चे का मसला जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में हल किया जा सकता है